नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल खत्री डेयरी फार्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की जो वीडियो है बुद्धराम सर के फार्म से, और आज की वीडियो में एक आपको जायज रेट की गाय जो है बिक्री के लिए उपलब्ध करवा रहे राठी क्रॉस की गाय है, साथ में बछड़ी है, 6-7 दिन की जो है ब्याई हो चुकी है और 10 लीटर दूध अभी मौके पर तैयार है। जिस किसी भाई को भी जो है घर के लिए चाहिए या आप डेयरी व्यवसाय का भी काम करते जायज रेट का जो है पशु आप खरीदना चाहते हैं, देसी में ही है तो इसमें एवरेज साइज का जैसे आपको राठी में हम्प देखने को मिलता है उसी प्रकार का हम्प है, और नाभ भी जो है राठी के अंदर आप देख सकते हैं काफ़ी लंबी नाभ भी है, और लेवटी जो है वो भी पैरों के बीच की टाइट लेवटी है, और थनों के बीच में जो गैप है वो भी जो है देखने को मिल रहा है। मुठिया थन है, टाइट लेवटी है, और 10 लीटर दूध अभी मौके पर तैयार है। अभी एक हफ्ते के लगभग जो है ब्याई हो चुकी है। कीमत इसकी 27,000 रुपये सर ने डिमांड की है। ये देख सकते हैं मुठिया थन है और थनों के बीच में गैप भी जो है काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। तो मीडियम साइज की है, आप देख रहे हैं, आपको चला करके भी जो है दिखाएंगे। मीडियम साइज की गाय है और काफ़ी जायज रेट पर ये बिक्री के लिए उपलब्ध करवा रहे हैं। जो इनका एड्रेस है वो जानकी दास श्री गंगानगर राजस्थान के रहने वाले हैं। बुद्धराम सर की पहले भी हमने जो है काफ़ी वीडियो लगाई है, और आज की वीडियो में आपको एक राठी क्रॉस की गाय जो है बिक्री के लिए उपलब्ध करवा रहे, साथ में भी बछड़ी है इसके फीमेल काफ, और कीमत जो है मात्र 27,000 रुपये इन्होंने इसकी कीमत जो है डिमांड की है। जो भी पशुपालक वो नीचे दिए गए नंबर पर बुद्धराम सर से जो है संपर्क कर सकता है व्हाट्सएप के थ्रू, या डायरेक्ट कॉल करके आप जो है इसी नंबर के थ्रू इनसे बात कर सकते हैं, और ज़्यादा जानकारी आप जो है इन पशुओं की ले सकते हैं। और भी इनके पास जो है 8-10 पशु जो है हर समय रखते हैं गाय, वैसे आपको इनके पास HF जर्सी क्रॉस ब्रीड की देसी में आपको राठी साहिवाल थारपारकर चोलिस्तानी जो है आपको इनके पास गाय मिल जाएगी, तो हर समय बिक्री के लिए उपलब्ध इनके पास पशु रहते हैं। जो भी पशुपालक भाई खरीदना चाहता है नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकता है। ट्रांसपोर्टेशन की जो सुविधा है वो लगभग ऑल ओवर इंडिया में इनके पास जो है उपलब्ध है। किसी भी राज्य में अगर आप ट्रांसपोर्टेशन करवाना चाहते हो उसकी जानकारी आप सर से ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।